गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। 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 सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एवरीबॉडी। लेकिन आप गुड मॉर्निंग सर। लेकिन आप लोगों ने कहा था और लोगों को बता देंगे, बट मोस्ट पीपल हैव नॉट ज्वाइंड। चलिए गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कुछ तो पढ़ाई शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को शुरुआत से ही दूर कर देते हैं। पब्लिक रेवेन्यू का जो चैप्टर है, द चैप्टर ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, तीन हिस्सों में पढ़ा जाता है। पहले हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स। दूसरे हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं टैक्सेस, और तीसरे हिस्से में पढ़ते हैं टैक्स शिफ्टिंग। तो तीन चैप्टर्स हैं अलग अलग। ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस इज कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो है ना, तो अब आता है ना इसकी कोई मीनिंग रह गई है। बिल्कुल बेकार की बात रह गई है, क्योंकि क्लासिफिकेशन पहले के जमाने में बहुत होते थे। डेल्टन का क्लासिफिकेशन, एडम स्मिथ का क्लासिफिकेशन, मेहता साहब का क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक सेकंड से ही शुरू कर रहे हैं, जो बड़ा टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को हिंदी में सिद्धांत कहते हैं। लेकिन एक मजेदार चीज आपको बताऊं कि पब्लिक फाइनेंस में एडम स्मिथ, हालांकि आई टोल्ड यू द फर्स्ट राइटर इज डेल्टन वी कॉल इट, लेकिन एडम स्मिथ ने पब्लिक फाइनेंस पर बहुत काम किया था। इवन मार्शल ने भी बहुत काम किया था। तो एडम स्मिथ की बुक थ्री में उसने पब्लिक फाइनेंस पर बहुत लिखा है। तो उसने जो प्रिंसिपल्स लिखे थे पब्लिक फाइनेंस के, वो बिल्कुल अलग ढंग से लिखे थे, और उनको वो कहता था कैनन्स, CANONS, कैनन्स। मैं कैनन्स पढ़ाने का बड़ा शौकीन तो नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूं कि मैं पिछले काफी दिनों से लोक सेवा आयोग में भी और जगहों पर भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कैनन एडम स्मिथ ने दिया था और कौन सा कैनन एडम स्मिथ ने नहीं दिया था। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कैनन्स बता दे रहा हूं। इन हिंदी वी कॉल कैनन्स ऑल्सो प्रिंसिपल्स, बोथ ऑफ देम आर ट्रांसलेटेड इन हिंदी एज सिद्धांत। कैनन के लिए कोई अलग शब्द का प्रयोग नहीं होता आज की तारीख में भी। तो हम पहले एडम स्मिथ के कैनन्स आपको बता देते हैं, और फिर उसके बाद बताते हैं कि बाद में बहुत सारे लोगों ने भी और कैनन्स दिए। गुड मॉर्निंग नीता, बहुत देर हो गई, चलो कोई बात। तो बहुत सारे कैनन्स जो दिए गए, उनमें से पहले हम लोग सोचे कि एडम स्मिथ ने क्या कहा। हम लोग प्रिंसिपल्स अलग पढ़ेंगे और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन अलग पढ़ेंगे। तो हम तीन चीजें पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़ने जा रहे हैं कैनन्स। ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं। तो जो कैनन शब्द है, व्हाई इज इट नॉट राइटिंग, तो वी आर स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल्स की जगह कैनन्स। तो एडम स्मिथ ने अपनी किताब में चार कैनन दिए थे। इनको हम प्रिंसिपल कहें कि ना कहें, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो चारों कैनन एडम स्मिथ ने दिए थे, जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये जो कैनन्स थे, इनको हम लोग कहते हैं कैनन ऑफ, अब देखिए ये बड़ा मुश्किल है, इसको लिखते हैं कैनन ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने चार कैनन दिए थे ऑफ इक्वालिटी। ये पूरा का पूरा एक सिद्धांत है, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो पब्लिक रेवेन्यू है वो सबसे
बराबर बराबर हो बटना चाहिए, मतलब टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक आधार पर होना चाहिए। अब ये हम लोगों को बहुत डिस्कस करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन इसको मैंने अभी सिर्फ ये बताया कि जो जो कैनन्स उन्होंने दिए थे, यानी हम लोग बात कर रहे हैं एडम स्मिथ की, तो उन्होंने सिर्फ चार कैनन दिए थे अपनी किताब में, और हमेशा एग्जाम में आता है कि इन चारों के अलावा जो नाम दिए हैं वो उनमें से कौन सा कैनन एडम स्मिथ का नहीं है। तो एडम स्मिथ का पहला कैनन इज वेरी क्लियर, विच टॉक्स अबाउट कैनन ऑफ इक्वालिटी। दूसरा कैनन उनका होता है सर्टेनिटी, सरकार को पता होना चाहिए कि उसकी आय कितनी है, निश्चितता, क्योंकि अगर सरकार को पता ही नहीं रहेगा कि उसकी आमदनी कितनी है तो निश्चित रूप से खर्च कैसे करेगी, हाउ विल इट स्पेंड इन डिफरेंट वेज, कैसा हिस्सा किसका बनेगा। दूसरा कैनन उन्होंने हमेशा कहा था सर्टेनिटी। तीसरा उन्होंने कहा था कन्वीनियंस, यानी अब मैं आपसे बता दूं ये सारे के सारे इनको डिस्कस करना ही पड़ेगा हमको दोबारा, एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। अब मैं इन चारों को एक बार पहले डिस्कस कर देता हूं छोटा छोटा, क्योंकि इनके में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जब हमने कहा इक्वालिटी तो इसका क्या मतलब है, इसको डिस्कस करना पड़ेगा हमें। मैं दो शब्द अभी बता दे रहा हूं जिनको मैं पढ़ाऊंगा, एक कहलाता है वर्टिकल इक्विटी, एक कहलाता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। अभी मैं सिर्फ बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, इसको हम कहेंगे हिंदी में रैखिक, इसको हम कहेंगे क्षैतिज। जो समझा रहा हूं इसको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं पूरा प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तब, लेकिन समझा देता हूं 1 मिनट के अंदर में। जैसे उदाहरण के लिए, एक है भारत सरकार, भारत सरकार की आमदनी ज्यादा है सारे स्टेट से, सारे स्टेट से। तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारत सरकार क्या है, कोशिश करेगी कि सारे राज्यों में विकास हो। तो जब सारे राज्यों में विकास हो तो कैसे करे, एक है वर्टिकल एक है हॉरिजॉन्टल। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझने की बात यह है कि एक पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, माने मान लीजिए कि हम कहें दिल्ली है और मान ले कहें यूपी और बिहार है, तो इनके अंदर क्या है, कहीं पर भी इक्वालिटी है ही नहीं। अब अगर कहीं पर भी इक्वालिटी नहीं है तो कैसे इनमें इक्वालिटी लाई जाए। अब इस एग्जाम्पल को दूसरे ढंग से समझ लीजिए कि देश में बहुत सारे नागरिक हैं, बिरला अंबानी हैं, हम हैं, आप हैं, तो ये इक्वालिटी कैसे लाई जाए। इसी के लिए हम दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब क्या है कि सेम फॉर सेम बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट। अब इसका मतलब भी समझा देता हूं आपसे। जैसे अगर आपको टैक्स लगाना है तो जो रिच लोग हैं 5 करोड़ से ऊपर वाले, उन पर एक जैसा टैक्स लगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल माने समान लोगों से समान व्यवहार होना चाहिए, समान राज्यों से समान व्यवहार होना चाहिए। और डिफरेंट का क्या मतलब है, अगर एक की आमदनी 5 करोड़ है, दूसरे की 2 करोड़, एक की 1 लाख, एक की 50 हजार, तो क्या इनको समान माना जा सकता है, नहीं। ये वर्टिकल यानी असमान लोगों से असमान व्यवहार होना चाहिए। अभी ये पूरा सिद्धांत है जिसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो एडम स्मिथ की जो इक्वालिटी का मतलब है उसको पहले से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब है कि वो पूरे समाज में टैक्सों का बंटवारा कैसा हो, इक्वल ग्रुप्स के लिए इक्वल टैक्स हो लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट टैक्स हो। अब ये समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जिनकी आमदनी ज्यादा है जिनकी आमदनी कम है, ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। तो अगर यह 2 या 5 ग्रुप हैं या 10 ग्रुप हैं तो इन सबसे व्यवहार कैसा होना चाहिए सरकार का, डिफरेंट। लेकिन जो सब रईस है या सब गरीब है या सब मिडिल इनकम है उनसे व्यवहार कैसा होना चाहिए, समान। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वालिटी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल माने असमान लोगों से असमान व्यवहार, अनइक्वल पीपल शैल बी ट्रीटेड अनइक्वली, और इक्वल पीपल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। तो जो एक जैसे लोग हैं उनसे एक जैसा टैक्स लिया जाए,
लेकिन जो अलग अलग लोग हैं उनसे अलग अलग टैक्स लिया जाए। तो इक्वालिटी का मतलब हमेशा इन दोनों से होता है। इनको हम लोग फिर से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि एडम स्मिथ को क्यों मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यही इम्तहान में हमेशा आता है कि एडम स्मिथ के अलावा जो दिए गए हैं वो कैन में से एडम स्मिथ का कौन सा नहीं। जो दूसरा शब्द है वो सर्टेनिटी का है। सर्टेनिटी का मतलब है कि सरकार को ठीक से मालूम होना चाहिए कि उसका रेवेन्यू कितना होगा। मैंने पहले बताया कि ज्यादातर ये लोग किसकी बात करते थे, ये लोग डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते थे, इनकम पर, प्रॉपर्टी पर की बात करते थे। और इस आधार पर वो कहते थे कि अगर टैक्स बिल्कुल ठीक से लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारी जो इनकम होगी वो सर्टेन होगी, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हम पहले से प्लान कर पाएंगे। तो दूसरी चीज वो हमेशा कहते थे सर्टेनिटी ऑफ इनकम, आय की सुनिश्चितता। अब तीसरा फिर बड़ा मुश्किल है, कन्वीनियंस। असल में फ्रांस में एक बड़े भारी फाइनेंस मिनिस्टर हुए थे, हेल्गी स्टॉर्म, उन्होंने एक नया शब्द निकाला था और ये एक थ्योरी भी है एक तरीके से, इसको हम लोग फाइनेंशियल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। मैं इसको अभी जब लिख दूंगा केवल पढ़ाऊंगा नहीं दोबारा, फाइनेंशियल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, कराधान का वित्तीय सिद्धांत। ये कहता है टैक्सेशन ऐसे लगे कि पीपल में इनकन्वीनियंस ना। अब जब भी टैक्स लगेगा तो इनकन्वीनियंस तो होगी ही। इनकन्वीनियंस क्यों होगी? सिंपल सी बात है, हमारे से जो हमारी आमदनी जाएगी, व्हेन आवर माय इनकम गोज, तो निश्चित रूप से क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे तो असुविधा होगी। और अगर असुविधा होगी तो मैं कई लोगों के संग मिलकर सरकार के खिलाफ असंतोष या उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। तो एक फाइनेंशियल थ्योरी डेवलप की गई। फाइनेंशियल थ्योरी बड़ी विचित्र है, एक लाइन में मैं लिख देता हूं, पिक द गूज दैट क्रैकल्स लीस्ट। अब देखिए ये थ्योरी है, मैं इसको बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकता क्योंकि ये तो फ्रांस के एक विशेष मंत्री ने दी थी और बाद में एडम स्मिथ ने भी इसको शामिल कर लिया। मान लीजिए 100 मुर्गियां हैं तो आपको एक दो मुर्गियां चुननी है, तो ऐसी मुर्गी चुनिए या ऐसी बत्तख चुनिए जो ज्यादा फड़फड़ाए नहीं, चुपचाप आपके संग चली आए, बाकी लोगों में असंतोष क्रिएट न करे। तो इसे कहते हैं पिक द गूज दैट करेक्ट्स लीस्ट, माने ऐसे ढंग से कर लगाओ या ऐसे लोगों पर कर लगाओ जो बहुत हंगामा न मचाएं, जो बहुत असंतोष न जाहिर करें, जो बहुत विरोध न जाहिर करें, जिससे सरकार को के खिलाफ विरोध उत्पन्न न हो। तो ये एक अलग थ्योरी है, मैंने बताया ना एडम स्मिथ ने सब अलग ही अलग थ्योरीज को अपने कैनन्स में बदल दिया है। इकोनॉमी, टैक्सेशन का तरीका क्या होना चाहिए? टैक्सेशन का तरीका इतना होना चाहिए कि उस पर खर्च कम से कम हो। पता चले हम टैक्स लगा रहे हैं, पा रहे हैं 10,000 रुपए और इसको पाने में हमने खर्च कर दिया 8,000 रुपए, तो फायदा क्या हुआ हमें? टैक्स ऐसा लगाइए कि भले हमको 6,000 रुपए का टैक्स मिले लेकिन खर्च 200 रुपए हो, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। इकोनॉमी का मतलब ही बिल्कुल है, द मेथड ऑफ टैक्सेशन शैल बी स्पेंड थ्रिफ्ट, जिस पर खर्च हमारा कम से कम हो। इसे हम लोगों ने कहा एडम स्मिथ के कैनन्स। लेकिन पुराने जमाने में मैंने आपसे बताया कि सबसे बड़ी बात क्या थी कि हर आदमी को कुछ ना कुछ लिखना रहता था, तो जितने भी लेखक आए, वेस्टिबल आए या मिल आए या कोई और आए, इन सब ने अपने अपने कैनन्स दिए। जो कैनन दिए, बार बार याद रखिए, उन कैनन का किसी थ्योरी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप आसानी से पकड़ लेंगे और अगर इम्तहान में सवाल आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे एक सज्जन थे वेस्टिबल, उन्होंने लिखा कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया और उन्होंने बताया कि कर ऐसा लगना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी प्रभावित ना हो, यानी उत्पादकता प्रभावित ना हो, यानी निवेश प्रभावित ना हो, इन्वेस्टमेंट प्रभावित ना हो। माने आप उतना ही टैक्स लगाइए कि लोगों की इन्वेस्टेबल कैपेसिटी जो है ज्यादा प्रभावित ना हो। फिर वेस्टिबल साहब ने एक और दिया जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी माने लोच, टैक्स ऐसा हो कि जब चाहे उसे बढ़ा सके आमदनी और जब चाहे उसे हम लोग कम कर सकें, तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर उन्होंने दिया डाइवर्सिटी, टैक्स होना चाहिए कि अलग अलग चीजों पर लगे, बहुत सारी चीजों पर लगे, तो इससे क्या फायदा होगा, क्या कहते हैं, टैक्स जो है कम कम और चीजों से वसूला जा सकेगा,
तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में ज्यादा हम लोग बात करने लगते हैं, जबकि एडम स्मिथ वगैरह ने ओरिजिनली केवल डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात की थी। फिर मिल साहब आए तो उन्होंने दिया सिंप्लिसिटी, टैक्स ऐसे होने चाहिए कि बड़े कॉम्प्लेक्स ना हो, यानी जो टैक्स के रेट हो इतने ज्यादा ना हो कि 10 20 30 40 प्रकार के टैक्स के रेट हो और उनको हम लोग कैलकुलेट ही ना कर पाए या किसी तरीके से समझ ही ना पाए। तो उन्होंने सिंप्लिसिटी का भी एक उन्होंने एक दे दिया। फिर उन्होंने एक दे दिया टैक्सेस ऑफ क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन माने अलग अलग जो टैक्स हो, ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर पर भी ले लें और फिर इंडस्ट्री पर भी ले लें। ये जो कैनन्स हैं ये बात के अर्थशास्त्रियों ने सिर्फ दे दिए हैं, मेनली किसने दिए हैं, मिल ने, वेस्टिवल ने और न्यूमैन ने। इन लोगों का नहीं पढ़ा जाता, एडम स्मिथ के ही कैनन्स पढ़े जाते हैं और ये चारों आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये चारों भी मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, इनकी थ्योरीज भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इन्हें एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन माना जा सकता है, जबकि बाकी को प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन नहीं माना जा सकता। तो उसने कैनन्स के नाम से दिया था, तो आप इन चारों को रट लेंगे तो अपने आप आसानी से आपका काम बन जाएगा। तो इम्तिहान में कभी भी आएगा कि विच वॉज नॉट गिवन बाई एडम स्मिथ अपने आप, या विच वॉज गिवन बाई एनी वन एल्स, कोई भी नाम आ जाए तो आपको पता चल जाएगा इन चारों को एडम स्मिथ ने दिया था। अब मैं आता हूं असली टॉपिक पर जो मुश्किल है और शायद आज आज खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन आई विल ट्राई। मैं पहले आपको थोड़ा सा थ्योरीज बता दूंगा, फिर एक थ्योरी या दो थ्योरी को आज डिटेल में कर पाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, अब देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन और मेथड्स ऑफ टैक्सेशन भी बहुत मिलता जुलता है, लेकिन पहले जब ये पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ आने लगेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या है कि करों को लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। और ये मैं आपसे बता दूं कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने ना पढ़ा हो, लेकिन इसको पढ़ने के अब हम लोग नए मेथड ढूंढेंगे और जो तीन इम्तिहान में आते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक और दो, बाकी जो है उनको नहीं पढ़ेंगे। ये जनरली दो ही आते हैं, लेकिन मैं नाम सबके लिख देता हूं। सबसे पहले 1787 में एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है फिजियोक्रेटिक। प्रकृतिवादियों का सिद्धांत। अब क्योंकि आपने प्रकृतिवादी पढ़े नहीं है, ये तो थर्ड ईयर में पढ़े जाते हैं, तो इनको आप जानते नहीं है। प्रकृतिवादी सिद्धांत, एक लाइन में बता देता हूं, अगर आ जाए कि भिन्न भिन्न सिद्धांतों के नाम दीजिए तो आप बता सकते हैं। ये 1757 से लेकर के 1787 88 89 तक लिखते रहे। इन लोगों की एक विशेष बात थी, ये लोग कहते थे कि दुनिया में उत्पादन जो है केवल और केवल प्रकृति करती है, ओनली नेचर डज द प्रोडक्शन, नेचर प्रोड्यूसेस, बाकी सब क्या करते हैं, स्वरूप परिवर्तन, दे ओनली चेंज द आउटर डिजाइन्स टू मेक द थिंग्स मोर ब्यूटीफुल। पेड़ है तो उससे हम दरवाजा बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं, लेकिन पेड़ ना हो तो कुर्सी मेज नहीं बन पाएगी। कहने का मतलब है कि बाकी लोग चाहे कपड़ा बनाने वाले हों, चाहे बढ़ई हों, चाहे लोहार हों, ये केवल डिजाइन चेंज करते हैं, केवल यूजफुलनेस बढ़ाते हैं, प्रकृति के अलावा कोई उत्पादन नहीं करता। एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्टिव क्लास। यहीं पर क्या होता है कि अगर आप 100 किलो बीज डालते हैं तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा उत्पादन हो सकता है, विद लेबर मिलाकर हो सकता है इससे 2000 केजी का उत्पादन हो जाए। तो वो कहते हैं टैक्स कहीं भी लगाओगे आ जाएगा किस पर, एग्रीकल्चर पर। तो ये कहते हैं कि टैक्स केवल एग्रीकल्चर पर लगना चाहिए, टैक्स ओनली ऑन एग्रीकल्चर। अब ये थ्योरी बहुत पुरानी है, वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि मजेदार बात ये है कि आज पूरे देश में, कम से कम भारत में या पूरे और देशों में एक ही चीज समझ में आती है, सब चीज पर भले टैक्स लगता हो, एग्रीकल्चर ही पर नहीं लगता। तो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगने की जगह हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर सब्सिडी देनी पड़ती है, क्योंकि कृषि हमारी जो है बहुत खराब हालत में। अब इसी तरह दूसरी थ्योरी मैं फिर से आपसे बता दूं, जिसको हमने नाम लिया फाइनेंशियल थ्योरी। ये भी बड़ी पुरानी थ्योरी है, ये दोनों एडम स्मिथ के जमाने की थ्योरी है। फाइनेंशियल थ्योरी का क्या मतलब है, ये मैं बता ही चुका हूं, पिक द गूज दैट क्रैकल्स द लीस्ट, जो सबसे कम नुकसान पहुंचाए, सबसे कम आवाज करे, उस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगना चाहिए।
फिर तीसरी थ्योरी जो बाद में सेलिगमैन ने दी वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी। कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी माने सेवा लागत का सिद्धांत, यानी सरकार आपको जितनी सेवा दे रही है उतना ही आपको टैक्स देना चाहिए। जो फैसिलिटी सरकार ने आपको दी, सड़क बना के दी, तो टैक्स उतना लगना चाहिए, जो भी सेवा प्रदान की। तो फिर क्या हुआ, इस थ्योरी को ही हमने कल क्या लिखा था, क्यों प्रो क्यों, यानी जो अगर आप देंगे तो हम वही करेंगे। ये तीनों थ्योरीज केवल नाम लिखने के लिए हैं। नाम लिखने के लिए माने इनका कहीं ना उपयोग हो सकता है, ना इनका कोई मतलब हो सकता है। टैक्स तो होती ही अलग चीज है। टैक्स क्या है, इज ए कंपल्सरी पेमेंट, वो तो आपको देना ही देना है। तो अगर सेवा के बदले में लेंगे आप, तो गरीब आदमी तो बेचारा कुछ दे नहीं पाएगा, उसके बदले में से कुछ मिलेगा ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि वो टैक्स दे नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह का टैक्स का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर दो थ्योरीज जो बाद में विकसित हुई, मैं उन दोनों थ्योरीज को ही पढ़ाऊंगा, दो में तीसरा अपने आप आ जाएगा। एक थ्योरी का नाम है करदेय क्षमता सिद्धांत, एबिलिटी टू पे थ्योरी। पहले मैं इसी को पढ़ाऊंगा, इसी में आज हम लोग को लगता है पूरा काम हो जाएगा। मैं नाम लिखा देता हूं, कोई बात नहीं है, करदेय क्षमता सिद्धांत। इसके बहुत स्वरूप हैं, बहुत तरीका है, इसको पढ़ना है थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इस पर पूरा प्रश्न आता रहा है। दूसरा थ्योरी है बेनिफिट थ्योरी। बेनिफिट थ्योरी एक तरीके से तो लग रहा है कि कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी, लेकिन ये बेनिफिट थ्योरी दूसरे ढंग से लिखी जाती है। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ वॉलेंटरी एक्सचेंज, वॉलेंटरी एक्सचेंज। वॉलेंट्री एक्सचेंज का मतलब होगा ऐच्छिक विनिमय का सिद्धांत। तो एक्चुअली ऐच्छिक विनिमय का जो सिद्धांत है, मैं फिर से बता दूं, आई एम सॉरी टू से, गलत लोगों ने समझा दिया है। ऐच्छिक विनिमय का सिद्धांत इन दोनों थ्योरी को मिलाकर बनता है, एबिलिटी और बेनिफिट। और बेनिफिट थ्योरी को अलग से तो नहीं पूछा जाना चाहिए, इसी में पूछा जाना चाहिए। और इसमें दो मॉडल छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, मैं आपको पढ़ा दूंगा, लिंडहॉल का और बावन का। तो आज का हमारा जो कोर्स है वो ये है कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि कराधान के कैनन्स क्या हैं, और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि टैक्सेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उनमें से हम लोगों ने चार सिद्धांतों को एक तरीके से नहीं पढ़ा। फिजियोक्रेट्स पुराना हो गया, वेस्ट हो गया, केवल कृषि पर, बल्कि अब तो कृषि पर टैक्स ही नहीं लगता। फाइनेंशियल थ्योरी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, सर पैर ही नहीं। कोई भी आदमी जिस पर टैक्स लगाओगे नाराज होगा जरूर। अब वो विरोध न करे, असंतोष न करे, पार्टीबंदी न करे, फुलिश। बेनिफिट थ्योरी, इसका कोई मतलब नहीं है, जितना बेनिफिट मिले उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। या कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी, सेवा लागत सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है। असली सिद्धांत दो ही हैं, एबिलिटी टू पे थ्योरी, और एबिलिटी टू पे थ्योरी और बेनिफिट थ्योरी को मिलाकर बनता है वॉलेंट्री एक्सचेंज का सिद्धांत, ऐच्छिक विनिमय का सिद्धांत। हम इन दोनों सिद्धांतों को पढ़ेंगे। आज कोशिश करते हैं कि हम आज आपसे एबिलिटी टू पे थ्योरी को पढ़ पाएं, कर दे क्षमता को, सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। है क्या सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, कब शुरू हुआ और इसको कैसे नापेंगे, तो ये हम लोगों को आज पढ़ना है। वी आर गोइंग टू स्टडी द पे टू एबिलिटी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहले तो केवल इस सिद्धांत को थ्योरी के रूप में समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि किसी आदमी के पास आमदनी है ही नहीं, बहुत गरीब है, खाना नहीं खा पाता है, या उसके पास मकान भी नहीं है, कपड़े भी बड़ी मुश्किल से हैं। अब तो भारत में आप देख ही रहे हैं कितनी गरीबी है, बेरोजगारी। अब ये व्यक्ति सरकार को चलाने के लिए टैक्स कैसे दे सकते हैं? अगर ये टैक्स नहीं दे सकते, तो इन पर अगर आप टैक्स लगाएंगे भी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास इतनी आमदनी नहीं है जो कहीं से भी टैक्स दें। जब इनके पास कोई आय का साधन नहीं है, तो सरकार इनसे टैक्स वसूलेगी कैसे, वसूल भी नहीं पाएगी। तो सवाल ये है कि अगर सरकार को कर चाहिए, क्योंकि बिना कर के तो सरकार कोई काम भी नहीं कर पाएगी। इट विल नॉट बी एबल टू डिफेंड द नेशन, इट विल नॉट बी एबल टू हेल्प इन टू द डोमेस्टिक क्राइसिस, है ना, कोई आंतरिक दिक्कतें हुई, लड़ाई हुई, चोरी हुई, मुकदमा हुआ, उनको कैसे संभाला जाएगा, पुलें कैसे बनेंगी, सड़क कैसे बनेगी,
बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको सरकार को ही बनाना पड़ता है, उन पर हम लोग आएंगे जब हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, देन वी स्टडी देम। तो पब्लिक गुड्स हैं, मेरिट गुड्स हैं, उनके बारे में क्या, शिक्षा के लिए स्कूल कौन बनाए, लाइब्रेरी कौन बनाए, खेल के मैदान कौन बनाए, यूनिवर्सिटीज कौन बनाए। सरकार के पास खर्चे भी बहुत हैं, कई प्रकार के हैं। टैक्स कौन दे, इसके आधार पर एक सिद्धांत बनाया गया जिसका हम लोगों ने नाम रखा है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार टैक्स देना चाहिए। इसको हम लोग कहने जा रहे हैं पे टू एबिलिटी, या एबिलिटी टू पे, उल्टा लिखना चाहिए, एबिलिटी टू पे। कर दे, जितनी आपकी कर देने की क्षमता है, उस कर दे या कर योग्यता का जो भी आप सिद्धांत मानने की कोशिश करें, इसे हम लोग कहेंगे कर दे क्षमता सिद्धांत। तो सवाल यह है कि कर दे क्षमता जब हमने कहा, पे एबिलिटी टू पे टैक्सेस जब हमने कहा, तो पहला शब्द आ गया कि एबिलिटी या क्षमता। अब सवाल यह है कि किसी आदमी की क्षमता कितनी है, हाउ टू फाइंड इट आउट, है ना। अगर किसी से पूछो भाई तुम कितना कर दे सकते हो, कहेगा मैं तो कर दे ही नहीं सकता, बहुत गरीब आदमी। अंबानी जी भी गरीब हो जाएंगे, अडानी जी भी गरीब हो जाएंगे। सवाल एक, नापेंगे कैसे कर दे कोता को, या क्षमता को नापेंगे कैसे? जब तक नाप नहीं पाएंगे तब तक हम टैक्स नहीं लगा पाएंगे। तो नापने के क्या तरीके होंगे, इनको कैसे मेजर किया जाएगा, इसके बारे में पहले डिस्कशन किया जाए। डिस्कशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हम लोग हमेशा दो तरह के प्रश्न आपसे पूछते थे, अब तो शॉर्टकट की वजह से नहीं पूछ रहे। एक कहलाते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को हम कहते हैं विषय निष्ठ, किसी विषय पर आधारित, है ना। एक कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ। ध्यान से देखिए, जब हम पूरे विषय को बनाते हैं, तो हमारा, हम जैसे आपसे पूछ रहे कर दे क्षमता सिद्धांत क्या है, तो आप सारी चीजें लिखेंगे, किसने दिया, कब दिया, मैंने दिया। अब आपको सिर्फ एक ही चीज का उत्तर देना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेजरेबल, नापा जा सकता है, उसे जांचा जा सकता है, उसको हर तरीके से अध्ययन में लाया जा सकता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव है, उसमें आप पूरी चीजों का विश्लेषण करते हैं। तो इसी तरह कर दे क्षमता सिद्धांत को भी दोनों रूपों में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला अप्रोच होता है सब्जेक्टिव, और मैं आपको बता दूं, पहले सब्जेक्टिव ही अप्रोच को रखा जाता था। यानी हम टैक्स को लगाने का तरीका क्या रखते थे, पूरे सब्जेक्ट को मानकर चलते थे, यानी पूरे विषय को मानकर चलते थे, यानी जो आधार बनाते थे उसका कोई स्पेशल मेजर नहीं करते थे, कुछ और तरीकों से करते थे। जैसे आप धनी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि धनी है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के आधार पर हम टैक्स लगा दें। आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 92 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 90 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब ये भी नापना बड़ा मुश्किल होगा, जानते हैं आपको, सबसे पहला कर जो इनकम टैक्स लगा था, कभी कभी बड़ी हंसी आती, कुछ चीजें जो हम लोग जानते हैं सोचते हैं, इंग्लैंड में सबसे पहला टैक्स, इनकम टैक्स किस चीज पर लगा था, आदमी के घर में कितनी लकड़ी की खिड़कियां हैं। अब बड़ी मजेदार बात यह है, लकड़ी की खिड़कियों से क्या मतलब, बहुत ठंड पड़ती है तो वहां से हवा अंदर ना आने पाए, और कभी कभी धूप निकलती तो धूप भी आ जाए, तो खिड़कियां बनाना बड़ा मुश्किल काम होता था। लकड़ियां विलो, सबसे अच्छी लकड़ी वहीं की होती थी, तो जिसके पास विलो खरीदने की क्षमता है वो धनी होगा। तो अगर जिसने 14 खिड़कियां लगाई हैं तो उसको इतना रुपया देना चाहिए, जिसने 12 खिड़कियां लगाई हैं तो उसको इतना रुपया देना चाहिए। तो प्रॉपर्टी को नापने का कोई ऐसा आकलन नहीं था, लेकिन कभी उसको कितनी लकड़ी है, फिर कितनी जमीन है, फिर आपका मकान कितने वर्गों में है, वगैरह वगैरह। तो पहला आधार जो रखा गया, हमेशा प्रॉपर्टी रखा गया, और दूसरा आधार रखा गया इनकम।
क्योंकि पहले यह माना गया, ज्यादातर ध्यान से रखिए कि जो इनकम इंपॉर्टेंट कब हुई, जब से सरकारी नौकरियां इंपॉर्टेंट हुई, है ना, जब सरकारी नौकरी हुई या प्राइवेट नौकरी हुई तब इनकम की बात आई। पहले के जमाने में तो हम अपना काम खुद करते थे, चाहे हम जमींदार होंगे तो खेती से हमारी आमदनी होगी, हम लोहार होंगे तो हमारी अपनी आमदनी होगी, और अगर हमारे पास खेत है हमने किराए पे दिया है तो उनसे आमदनी होगी। तो प्रॉपर्टी से और आदमी के काम करने से इनकम पैदा होती थी। इसको हम स्टॉक कंसेप्ट मानते हैं, ये जल्दी नहीं बदलता। इसको हम फ्लो कंसेप्ट मानते हैं, प्रवाह। तो यह दूसरा आधार माना गया। वैसे यह माना गया कि जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसी की इनकम ज्यादा होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पाया गया कि प्रॉपर्टी अनयूज्ड है। हम पे 100 एकड़ खेत है लेकिन हमने उसको खाली छोड़ रखा, तो प्रॉपर्टी तो है लेकिन इनकम उससे नहीं मिल रही है। तो हम लोगों ने फिर दूसरा आधार जो चुना, ये पुराने अर्थशास्त्रियों ने, मैं जिनकी बात कर रहा हूं उन अर्थशास्त्रियों का नाम भी याद रखिए, सिसमोंडी। तो सिसमोंडी एक समाजवादी अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने इस चीज के दूसरे आधार का विश्लेषण किया। फिर उसके बाद एडम स्मिथ ने इस पर काफी काम किया, उसके बाद और कई लोगों ने भी इस पर काम किया। तो वेल्थ ऑफ नेशंस की किताब में प्रॉपर्टी और इनकम दोनों का जिक्र है, बुक 3 में। फिर मैंने बताया तीसरा आदमी कौन है, सेलिगमैन। उसने तो पूरी किताब ही दी थी क्या कहते हैं टैक्सेशन पर, इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो तीन लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन बाद में लोगों को लगा कि भाई प्रॉपर्टी ज्यादा है ठीक है, इनकम ज्यादा है ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए किसी आदमी के पास 100 एकड़ प्रॉपर्टी है लेकिन उसके परिवार में 4 आदमी है, और किसी के पास प्रॉपर्टी जो है 700 एकड़ है लेकिन इसके परिवार में 37 आदमी है, तो फैमिली साइज को भी इंपॉर्टेंट माना जाए। तो अगर फैमिली साइज बड़ा हो तो टैक्स कम लिया जाए, और फैमिली साइज छोटा हो तो टैक्स ज्यादा लिया जाए। अब ये सब उस जमाने में सोचा जा रहा था, सेलिगमैन नाम के अर्थशास्त्री ने इस तरह की चीजें सोची थी। तो उसने फिर उसके बाद इनका अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन सबसे फाइनली कंजम्पशन को आधार माना जाने लगा। और कंजम्पशन को बहुत बड़ा आधार मानने वाले अर्थशास्त्रियों में नाम है, इसको तो आप वैसे भी आगे चल के पढ़ाऊंगा, निकोलस कैल्डर। दुनिया में कैल्डर महोदय का योगदान माना जाएगा कंजम्पशन टैक्स। कंजम्पशन टैक्स के बाद ही जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह आते हैं, इसको निकोलस कैल्डर ने दिया। देखिए, दुनिया में आय में अंतर होने से उतनी लड़ाइयां नहीं होती। किसी के पास आय है छुपा के रखे, पम्मी जैन अभी पकड़े गए, लम्बरेटा स्कूटर से चलते थे, उनसे कोई नाराज नहीं था, उनके पास 200 करोड़ या पता नहीं कितना करोड़ मिला। नाराजगी कब होती है कि जब हमको खाने को भी ना मिले और आपके कुत्ते को दूध मिले। कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन में बहुत व्यापक अंतर दिखाई देता है तो हमेशा याद रखिए असंतोष या लड़ाइयां होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो जो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो क्या कहती है? सब्जेक्टिव अप्रोच कहती है कि कर का आधार या तो प्रॉपर्टी हो, या तो इनकम हो, या तो फैमिली साइज हो, या कंजम्पशन हो। अब दुनिया में दो आधार माने जाते हैं, इनकम और कंजम्पशन। अब प्रॉपर्टी का आधार नहीं माना जाता भारत में। प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ घटनाएं हमेशा याद रखने की चीज रखिए, पहले भारत में प्रॉपर्टी टैक्स और एस्टेट ड्यूटी लगा करती थी। आप कहेंगे कि मैं इतिहास इसलिए बता देता हूं कि ये सब चीजें इम्तहान में पीसीएस वगैरह में कभी कभी आ जाती है। एस्टेट ड्यूटी को डेथ ड्यूटी कहते थे कि अगर कोई धनी आदमी मरा तो उसकी जो संपत्ति है उसके बच्चों में बटती थी, और जब बच्चों में बटती थी तो काफी ज्यादा संपत्ति है तो उस पर कर लगा करता था। तो प्रॉपर्टी टैक्स और एस्टेट ड्यूटी दोनों लगा करते थे भारत में, पुरानी बात हो गई। फिर क्या हुआ कि जो वर्तमान टाटा जी हैं, ये सगे बेटे नहीं है उनके, जो पुराने वाले टाटा जी थे उनके गोद लिए बेटे हैं, तो इनको बड़ी भारी संपत्ति मिली और इनको टैक्स के रूप में भारी मात्रा में टैक्स अदा करना था। तो इन्होंने कहा मैं प्रॉपर्टी लूंगा ही नहीं, भाई मैं क्यों प्रॉपर्टी लूं, क्योंकि मैं बिना बात के टैक्स क्यों दूं, उन्होंने कमाया इसी के आधार पर, मैं इतनी दुनिया में मैं बिजनेस चला रहा हूं, लोगों को नौकरी दे रहा हूं, सरकार ही ले ले इसको जो लेना हो, मैं इसको लेने को तैयार हूं। तो सरकार उस समय इस तरह से किसी झगड़े से बचना चाहती थी, तो भारत सरकार ने एस्टेट ड्यूटी बंद कर दी 1974 में, जब इस टाटा जी ने इस संपत्ति को अपने पिताजी से इनहेरिट किया। तो उसके बाद से भारत में ना तो एस्टेट ड्यूटी लगती है ना प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। तो अब तो भारत में इनकम और कंजम्पशन टैक्स ही लगता है, और यही दो आधार हैं
कैसे लगते हैं वो हम लोगों को जब टैक्सेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो पहला तरीका क्या है, सब्जेक्टिव या विषय निष्ठ। लेकिन इसमें मेजरमेंट का सही तरीका नहीं निकलता, तो कैसे निकाला जाए, इसके लिए जेएस मिल ने दूसरा एग्जाम्पल दिया। और दूसरे एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी या ऑब्जेक्टिव टाइप टैक्सेशन। और उन्होंने जो थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि इक्वल सेक्रीफाइस, समान त्याग, इक्वल सेक्रीफाइस, समान त्याग होना चाहिए नागरिकों का। और इसे हम नाप सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं इसके बारे में भी अभी हम बात करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर एबिलिटी टू पे टैक्स में पहला वाला हिस्सा बहुत कम लिखना पड़ता है, यही वाला हिस्सा ज्यादा लिखना पड़ता है। इस थ्योरी को वैसे तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दिया था, लेकिन सबसे पहले जीएस मिल ने दिया था। अब मैं आपको एक बहुत अंतर बता दे रहा हूं, छोटी सी चीज का, क्योंकि इम्तहान में पता नहीं ये आ जाए, कहीं धोखे से भी आ जाए। करारोपण के जो पहले सिद्धांत हैं, टैक्सेशन के जो पहले सिद्धांत हैं, उसका नाम है लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस। ध्यान से देखिए, दोनों शब्दों को मैं अलग करने जा रहा हूं। अलग किया नहीं जाता, आजकल इसको पूछा भी नहीं जाता। तो करारोपण का अगर सिद्धांत के नाम से पूछा जाए, लिखना लगभग यही थ्योरी है जो इस सिद्धांत की बात कर रहा हूं, लेकिन इसका नाम अलग है। ये क्या है, न्यूनतम सकल त्याग का सिद्धांत। इसको किसने दिया था, एडम स्मिथ और डाल्टन के नाम से मशहूर है। पहले ये बहुत इम्तिहान में आता था, इसको हम लोगों को अलग पढ़ाना पड़ता था पूरा। अब ये बहुत सालों से आया नहीं है, लेकिन कम से कम आप इसमें और इक्वल सेक्रीफाइस के सिद्धांत में हम लोग अंतर कर सकें, तब दोनों को समझ पाएंगे। न्यूनतम सकल त्याग का सिद्धांत क्या कहता है, पहले वहां पढ़ते हैं, और फिर इक्वल सेक्रीफाइस का सिद्धांत इससे अलग कैसे है, अलग कर देते हैं, फिर दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। जब हमने कहा न्यूनतम सकल त्याग, सकल माने पूरे समाज, तो ऐसा टैक्स लगाओ कि समाज पर इसका त्याग जो है वो न्यूनतम, न्यूनतम हो। ध्यान से देखिए, हाउ टू टैक्स, अभी हम लोग एडम स्मिथ की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने वहां पर छोड़ दिया था, यहां पर आ गया था, क्योंकि मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहता था, दोनों को आपको समझाना चाहता था। न्यूनतम त्याग पर अगर आप पढ़ेंगे, तो कैसे समाज पर न्यूनतम त्याग लगे, और फिर इसी को कैसे हम तीनों हिस्सों में बांटेंगे, जरा ध्यान से थोड़ा सा हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने कहा न्यूनतम सकल त्याग या लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस, यानी पूरे समाज पर जो त्याग हो वो लीस्ट हो। अब मान लीजिए कि हमको 1 यूनिट टैक्स लेना है, 1 यूनिट टैक्स हम लोगों ने कल डिफाइन किया था, 1 यूनिट टैक्स माने पब्लिक रेवेन्यू का 1 यूनिट टैक्स, जिसको हमने मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में पढ़ा था। तो जो 1 यूनिट टैक्स है, मान लीजिए 10 करोड़ लेना है, और हमारे पास कुछ आबादी है, मान लीजिए हमारे पास 5 लाख लोगों की आबादी है, हमें इनसे टैक्स लेना है, तो न्यूनतम कैसे होगा, है ना। अब इसी को दो ढंगों से समझने की कोशिश करिए। न्यूनतम कैसे होगा माने टैक्स कैसा लगना चाहिए, दोनों इक्विटीज के आधार पर। कैसे समझ लीजिए, जैसे हमने कहा वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। अब नापेंगे कैसे, उसके लिए अभी दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन होगा कैसे पहले समझिए। मान लीजिए कि समाज में 5 वर्ग हैं, ए बी सी डी ई, और एक ऐसा वर्ग है जो बहुत गरीब है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, वो अपने खाने पीने का भी खर्चा नहीं उठा पाता है।
जो ई वर्ग है इसकी मान लीजिए कि मासिक आमदनी 10,000 है। मासिक आमदनी माने पूरे महीने की आमदनी की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि जो डी है इस वर्ग की आमदनी 10,000 से ज्यादा है लेकिन 50,000 से कम है, तो हम क्या लिख रहे हैं? बिटवीन 10,000 टू 50,000। फिर हमने लिखा 50,000 टू मान लीजिए 2 लाख। फिर हमने लिखा मान लीजिए 2 लाख से 20 लाख, और फिर हमने लिखा 20 लाख से ज्यादा। अब ये अलग अलग लोग हैं, तो हमें क्या करना है? पहली कौन सी इक्विटी हमको ध्यान में देखनी है? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है जितने ए जैसे लोग हैं इन पर एक जैसा टैक्स लगना चाहिए, बी पर अलग ढंग से। ऑल डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, इसको क्या करना चाहिए? टैक्स एग्जेम्पशन। टैक्स एग्जेम्पशन, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। 2 लाख आदमी ऐसे निकल गए, 3 लाख आदमी ऐसे निकल गए जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा। अब हमें 10 करोड़ रुपया टैक्स लगाना है, तो जब 10 करोड़ रुपया टैक्स लगाना है तो इन्हीं लोगों से लेना है। तो हमको यह देखना है कि इन लोगों पर समान लगे, इन पर समान लगे, इन पर समान लगे, इन पर समान लगे, इन पर समान लगे, यानी इन लोगों पर डिफरेंट हो, लेकिन जितने ई में हैं उन पर एक बराबर, जितने डी में हैं उन पर एक बराबर, जितने सी में हैं बी में उनके ऊपर एक बराबर लगे, तो 10 करोड़ रुपया हमें टैक्स वसूलना है। मान लीजिए कि हमने सोचा कि इन लोगों से सबसे हम 1-1 लाख लेंगे, इनसे सबसे हम 20-20 हजार लेंगे, मान लीजिए इनसे हम लोग 5-5 हजार लेंगे, इनसे हम लोग 2-2 हजार लेंगे, इनसे हम लोग 500-50 रुपए लेंगे। अब ये दूसरा प्रश्न आता है, ये 1 लाख कहां से आया, 20 हजार कहां से आया, 5 हजार कहां से आया, 2 हजार कहां से आया, 50 रुपए कहां से आया? हम क्या कह रहे हैं? डिफरेंट लोगों से डिफरेंट, लेकिन सिमिलर लोगों से सिमिलर टैक्स। लेकिन कैसे लेंगे उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो क्या तरीका है? कि जो सेक्रीफाइस हो, सेक्रीफाइस ऑफ ईच इंडिविजुअल, सेक्रीफाइस ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी सेम। है अलग अलग लोग, ये अलग है, 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 लेकिन सबकी सेक्रीफाइस इक्वल होनी चाहिए, सबका त्याग समान होना चाहिए। अब हम कौन से सिद्धांत पर पहुंच गए? ध्यान से देखिए, एबिलिटी टू पे टैक्स। कितनी एबिलिटी है उस हिसाब से दोनों पर टैक्स लगे, क्योंकि सेक्रीफाइस बराबर होनी चाहिए। अब दोनों में फर्क है, ध्यान से देखते रहिए। लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस को मैं अलग ढंग से पढ़ा रहा हूं और इसको मैं अलग ढंग से पढ़ा रहा हूं। लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस को पाने के लिए, नापने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करें? तो हम कहते हैं कि सेक्रीफाइस इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम इकोनॉमिक्स में सेक्रीफाइस इक्वल करेंगे तो हमारे पास तीन कंसेप्ट आ जाएंगे। इन्हीं तीनों कंसेप्टों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पहला कंसेप्ट क्या आ जाएगा? इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस। ध्यान से एक एक शब्द को देखिए और लिखिए भी साथ में। इक्वल माने समान, एब्सोल्यूट माने निरपेक्ष। समान निरपेक्ष त्याग, दूसरा शब्द आ जाएगा इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस। सबका सेक्रीफाइस समान हो लेकिन समान आनुपातिक त्याग। और तीसरा क्या आ जाएगा? इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस, यानी समान सीमांत त्याग। अब ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीजें। जैसे एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस कैसे इक्वल होगी? अब इसी को लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस सिद्धांत समझाने की कोशिश करता है और ठीक से समझा नहीं पाता, लेकिन मैं आपको एक तरीके से, बाद में हम लोग इसको डायग्राम से भी बताएंगे, लेकिन चलिए पहले एक एल्जेब्रिकल फॉर्मूले से हम लोग देखने की कोशिश करें। इस सेक्रीफाइस पहले क्या लिखेंगे? सेक्रीफाइस मेड बाय ए
अपॉन इनकम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू सेक्रीफाइस मेड बाय बी अपॉन इनकम ऑफ बी एंड एन तक चले जाएंगे। इसमें हर तरह के ग्रुप के लोग आते चले जाएंगे, लेकिन एब्सोल्यूट कब होगी, प्रोपोर्शनल कब होगी और मार्जिनल कब होगी, उसको कैसे फॉर्मूले से लिखें और कैसे समझाने की कोशिश करें, अब मैं आपको इनके फॉर्मूले की बात करता हूं। सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस। इक्वल एब्सोल्यूट यानी जितना दे रहे हैं वो एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस शैल बी। अगर हम एल्जेब्रिकली लिखें तो क्या लिखेंगे, इनको जितनी यूटिलिटी मिल रही है वाई से, अभी टैक्स नहीं दिया इन्होंने, अभी इन्होंने टैक्स नहीं दिया, माइनस यूटिलिटी इनको जितनी मिल रही है वाई माइनस टी से, अब इन्होंने टैक्स दे दिया है ना, और ये ए का हो गया। अगर ये बराबर हो जाए बी के, यू वाई जब वाई है माने बिना टैक्स वाला, माइनस यू वाई माइनस टी, और ये बी के लिए हो जाए। अगर ये बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस है, यानी मान लीजिए इनको वाई से यूटिलिटी मिलती थी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10 लाख टन या जो भी 10 लाख यूनिट, अब इन्होंने जो टैक्स दिया उसके बाद इनकी हो गई 8। अब ये तो इनकी इनकम ही कम थी, तो एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस कितनी हुई, इनकी 2 हुई, माने 2 लाख टन की इनकी कम हुई। अब इनकी मान लीजिए थी केवल 70,000 और इस 70,000 में से इनकी इसी रेशियो में कम होनी चाहिए, तो यहां पर हो जानी चाहिए कितनी, इनकी 20% कम हुई थी, तो इनकी भी 20% कम हो जाए, तो मान लीजिए 20% का मतलब 1400, यानी इनकी घटकर 56,000 हो जाए। यानी इक्वल होनी चाहिए एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, जितनी निरपेक्ष इन्होंने त्याग किया है उतना ही निरपेक्ष त्याग इनको भी करना चाहिए। अभी मैं डायग्राम से भी समझा दूंगा तब और क्लियर हो जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस का मतलब है कि आपकी आमदनी का एक ऐसा हिस्सा कम हो, यानी आपकी जितनी यूटिलिटी कम हो उतनी ही दूसरे की यूटिलिटी कम हो, उतनी ही तीसरे की यूटिलिटी कम हो, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मैं इसको एलजेब्रे के बाद डायग्राम से और उससे भी क्लियर करूंगा, इसलिए इसकी चिंता अभी आप बिल्कुल मत करिए कि अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम प्रोपोर्शनल की बात करें, प्रोपोर्शनल कैसा होगा, प्रोपोर्शनल कैसा होगा, इसमें हमने क्या लिया था, यू ऑफ वाई माइनस यू ऑफ वाई माइनस टी, टी क्या है टैक्स, यहां पर हम किससे भाग दे देंगे, इनकी इनकम से दे देंगे यू वाई, और ये किसके लिए लिख लिया, ए के लिए लिख लिया, ये बराबर होनी चाहिए बी के, यहां पर क्या लिखा हमने, फिर से बड़ा वाला ले लिया यू वाई माइनस यू वाई माइनस टी बटे, ये पूरे के बटे हमने क्या ले लिया यहां पर यू वाई, और इसको हमने बी के बराबर ले लिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इनकी आमदनी थी 20 लाख, इनकी आमदनी थी मान लीजिए 5 लाख, अगर हम इनका 10% ले लें डिवाइडेड बाई 10%, तो 20 लाख वाले का 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से 2 लाख इनको टैक्स देना पड़ेगा, और इनकी थी 5 लाख, अगर इनसे भी हमने 10% ले लिया तो इनसे 50,000 रुपए टैक्स ले लिया, इसके नीचे वालों से और कम टैक्स ले लिया, यानी सेम प्रोपोर्शन में टैक्स काट लिया। यहां पर हमने क्या ले लिया, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम एक निश्चित रूप से सबकी काट ली, 10% आपकी भी काट ली, 10% दूसरे की भी काट ली, 10% तीसरे की भी काट ली, 10% चौथे की भी काट ली, द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम हैज बीन रिड्यूस्ड। वहां क्या था, एब्सोल्यूट यूटिलिटी वॉज सेम, यहां क्या लिया हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम इज सेम, ये प्रोपोर्शनल टैक्स कहलाएगा। और तीसरा टैक्स कौन सा कहलाएगा, जिसको हम कहेंगे मार्जिनल टैक्स,
यानी अगर हम मार्जिनल को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, अब हम लोग मार्जिनल के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जब मार्जिनल के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि जो डेल्टा वाई माने इनकी जो चेंज इन इनकम है वाई माइनस टी है ना, अपॉन ऊपर हमने क्या लिया है डेल्टा यूटिलिटी, यहां पर हम ले रहे हैं डेल्टा यूटिलिटी जो थी, अपॉन जो चेंज करेंगे वो क्या करेंगे डेल्टा माने कितना चेंज लाए यहां पर वाई माइनस टी बट्टे ए, ये किसके लिए ले लिया ए के लिए ले लिया, यानी इनकी मार्जिनल सेक्रीफाइस डेल्टा यूटिलिटी जितनी पहले थी और वाई माइनस टी इसके एक यूनिट का जो चेंज है वो बराबर होना चाहिए डेल्टा वाई माइनस टी। इसमें हमने क्या लिया एक इकाई इनकम में जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से हमने टैक्स लिया और हमने कहा ये मार्जिनल सेक्रीफाइस को इक्वल करने जा रहे हैं। मार्जिनल सेक्रीफाइस क्या माने अंतिम रुपए का जो उपयोग है वो दोनों का बराबर होना चाहिए, अंतिम उपाय रुपए का उपयोग दोनों का बराबर होना चाहिए। एक की आमदनी 20 लाख है तो 20 लाख वाले के लिए 35,000 रुपए हो सकता है 1,000 वाले के लिए 1 रुपए के बराबर हो, तो इसकी 1 रुपए की जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है उसके 35,000 के बराबर है, तो निश्चित रूप से दोनों सबकी मार्जिनल सेक्रीफाइस को हमको बराबर करना होगा। तो जब हम लोगों ने टेबल से बना दिया तो अब हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं और सिर्फ दो इंडिविजुअल को बना रहे हैं एन तक नहीं ले जा रहे हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, और फिर ये बताऊंगा कि लीस्ट एग्री सेक्रीफाइस ये बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए, क्यों नहीं माना जाना चाहिए। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं दो आदमी ले रहे हैं, पहले वाले की आमदनी थोड़ी कम ले रहे हैं ध्यान से देखते रहिएगा और दूसरे वाले की आमदनी हम लोग थोड़ी ज्यादा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ढाल भी दोनों को अलग अलग होगा लेकिन पहली इकाई तो दोनों की समान होगी ना, पहली इकाई अगर किसी को 1 रुपया मिले सबसे पहली दफे तो उसकी उपयोगिता तो हमेशा ही ज्यादा होगी। धीरे धीरे जो जो रुपया बढ़ता जाएगा, इसके पास रुपया बढ़ते बढ़ते आया लेकिन इसका जो ढाल है वो क्योंकि इसकी इनकम कम है, टोटल इनकम इसकी मान लीजिए इतनी है, इसको हम थोड़ी देर के लिए यहां पर जोड़ दे रहे हैं x0 के बराबर है। मान लीजिए कि ये x0 जो है थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें कि ये 20,000 रुपए के करीब है, लेकिन जो दूसरा आदमी है इसको तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं तो इसकी तो ढाल ही बिल्कुल अलग होती चली जाएगी। इसकी आमदनी हम लोगों ने मान लिया 2 लाख रुपए के बराबर है, यानी ओ वाई एक्स जीरो के बराबर यहां तक। इसकी जो ढाल है वो 2 लाख यानी बहुत ज्यादा है और इसके पास बहुत कम रुपए है, मान ली 20,000 रुपए, तो दोनों की पोजीशन थोड़ी अलग अलग होगी। अब हम लोग देखें, सबसे पहले देखें कि प्राइस जो है वहां से शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ध्यान से देखिए, इसका ढाल यहां पर इतना है, ये ढाल आया, इस ढाल को अगर हम ऐसे लाइन से खींचें जो ढाल आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ये ढाल यहां पर मान लीजिए यहां कहीं से की जगह यहां पर आ रहा है, तो ये आदमी ध्यान से देखिए कि अगर इतना टैक्स दे जहां पर इसकी ढाल के बराबर हो तो इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, जरा देखते रहिए। टोटल इनकम इसकी कितनी थी x0, इसको तो इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि इसकी मार्जिनल सेक्रीफाइस के इतने बराबर आ रही है, तो इसको इतना सा टैक्स देना पड़ेगा और इसको इतना सारा देना पड़ेगा। कब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल सेक्रीफाइस, तो मार्जिनल सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, दोनों की स्लोप बराबर, जिस पॉइंट पर दोनों की स्लोप बराबर, मान लीजिए इससे इतना टैक्स लेना हो, इसकी स्लोप ऐसे हो तो इससे कितना लेना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ जाएगा, यानी इससे कम और इससे बहुत ज्यादा होगा। अब जरा हम लोग प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस की बात करें, मान लीजिए ये 10% है टोटल इसका या 5% है, तो अगर हम इसका 5% लें और इसका 5% लें तो देखिए प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस इसका 5% इनकम का इतना आएगा और इसका इतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 5% इसकी इनकम का बहुत कम है
और इसकी इनकम का प्रोपोर्शनल नेचुरली इसके में कितना आ जाएगा, 2 लाख इसकी इनकम है, तो 5% का मतलब इसके लिए आया करीब करीब मान लीजिए 4,000, और इसकी इनकम तो 20,000 है, तो इसका 5% मान लीजिए आया 400 रुपए, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस की बात करें तो और मजेदार बात होगी। अगर इसने 400 रुपया दिया और इसने उस इनकम के हिसाब से केवल 800 रुपया दिया, तो ध्यान से देखिए, एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस में ये आदमी केवल इतना ही देगा, ये आदमी इतना देगा, लेकिन प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो ये ज्यादा देगा, ये अभी भी इतना ही दे रहा है, लेकिन अगर मार्जिनल देखें तो ये इतना सा देगा और ये इतना ज्यादा देगा। तो मार्जिनल सेक्रीफाइस माने दोनों की सेक्रीफाइस या त्याग, सीमांत त्याग बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए, इक्वल में दोनों लगभग बराबर देंगे, लेकिन क्योंकि उसकी आमदनी कुछ ज्यादा है, इसकी आमदनी को हम लोग थोड़ा सा मानेंगे। और प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब है जितनी आपकी आय ज्यादा हो, अपनी आय के एक अनुपात में आप टैक्स देते रहें, ये 5% दे तो ये भी 5 दे, ये 10 दे तो ये भी 10 दे, ये 20 दे तो ये भी 20 दे। तो एक हुआ इक्वल टोटल सेक्रीफाइस, यानी दोनों का कुल त्याग समान है, एक प्रोपोर्शनल दोनों का आनुपातिक त्याग समान है, और एक हो गया इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस, यानी दोनों का सीमांत त्याग, यानी अंतिम रुपए से होने वाली उपयोगिता का त्याग समान है। तो इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस जो है, बार बार याद रखिए, ये बिल्कुल कैसा टैक्स कहलाएगा, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। जितनी आपकी ज्यादा आमदनी उतनी आपकी एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, उतनी आपकी क्रय क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, और जितनी आपकी आमदनी कम उतनी आपकी क्रय क्षमता कम होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल भी ठीक है कि प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बहुत हमारी इनकम कम, लेकिन हम अपनी इनकम से थोड़ा सा तो दे ही रहे, टैक्स एग्जम्पशन नहीं होगा, माफी नहीं होगी। एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस में बिल्कुल लगभग लगभग हम लोग बराबर बराबर टैक्स देंगे। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, एबिलिटी टू पे थ्योरी। लेकिन जो लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस है वो इनसे कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता है। लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस क्या कहता है, सोसाइटी में टैक्स कैसे बंटना चाहिए, इक्वल लोगों पर इक्वल, डिसइक्वल लोगों पर डिसइक्वल, लेकिन ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का आधार क्या होना चाहिए, ये क्लियर नहीं करता। जबकि ये वाला सिद्धांत क्लियर करता है कि मार्जिनल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। मार्जिनल सबसे अच्छा है क्योंकि गरीब लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए, धनी लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो मार्जिनल सेक्रीफाइस इज द बेस्ट। लेकिन अगर मार्जिनल ना हो तो कम से कम प्रोपोर्शनल हो या एब्सोल्यूट हो। लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस बस यहीं पर अपनी बात खत्म कर देता है कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए और वर्टिकल इक्विटी होनी चाहिए, दोनों प्रकार की समानता आनी चाहिए, असमान लोगों को असमान कर देना चाहिए, ज्यादा आय वालों को ज्यादा, कम आय वालों को कम, और जो समान आय वाले हैं उनको बराबर कर देना चाहिए। अगर सबकी इनकम समान है तो दे शुड पे टैक्स इक्वली, वहां पर फैमिली साइज और बाकी चीजों को नहीं देखना चाहिए। तो ये सिद्धांत है पे टू एबिलिटी थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, यानी करधेय क्षमता सिद्धांत, जिसको हम एलजेब्रा से भी बता सकते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं और चीजों से भी बतलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जिस मेथड से भी आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं। लीस्ट एग्रीगेट को दोबारा थोड़ा सा टच करेंगे अभी एक बार, क्योंकि हम जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात करेंगे तो दोबारा पढ़ाएंगे। अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर हम अगली बार जब हम वॉलेंट्री एक्सचेंज की थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसके साथ इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर देंगे, मसग्रेव में जो डायग्राम बना है उस डायग्राम से पढ़ा देंगे। नहीं, बेस्ट बेस्ट कुछ नहीं होता। बेस्ट क्या है, ये कुछ नहीं होता। हाँ प्रद्युम्न कुमार, पूछ लो जो भी पूछना हो, टाइम तो खत्म कर देते हो तुम लोग ना, वैसे ही बच जाता है। बताओ, 10 बज गया, प्रद्युम्न कुमार कुछ पूछना भी है, कैसे हाथ खड़ा कर देते एक्सक्यूज मी सर, हो? अरे ये तो कोई और पूछ रहा है, निम्मी। हाँ बोलो। सर क्या टैक्स 2 बार देना पड़ता है, एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल रूप से? नहीं, मैंने फिर बताया, टोटल टैक्स की बात कर रहे हैं, 2 बार देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम टैक्स लगाएंगे ही ऐसा कि धनियों पर ज्यादा लगेगा, गरीबों पर कम लगेगा, 2 बार नहीं, 2 बार। और वो जो है जिसे हम मल्टीपल टैक्सेशन कहते हैं, वो अलग चीज है, उसको हम जब जीएसटी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे।
हम जनरली जो इस समय टैक्स की बात कर रहे हैं वो इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेस। मैंने कल इसीलिए एक छोटी सी डेफिनेशन बता दी थी, टैक्स ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी या डायरेक्ट टैक्सेस। ओके सर, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे, अभी तो शुरुआत ही चल रही है लड़की, तो टॉपिक मुश्किल है थोड़े। और कोई दिक्कत? नेक्स्ट हाँ मानसवी, सर नेक्स्ट क्लास में एक ब्रीफ आइडिया दे दीजिएगा, थोड़ा कम समझ आया है। थोड़ा कम समझ में आया? ठीक है, दोबारा रिवाइज करते हुए दे देंगे। हम एक डायग्राम बदल देंगे, ओके सर, हम सर डायग्राम डायग्राम समझ आया है वैसे, पर नहीं, हम इस आउटलाइन। डायग्राम को ओके दूसरे ढंग से बना देंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। सर, यस ठीक, सर, थैंक यू। बिल्कुल रखा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर, यू थैंक सर, यू थैंक सर, यू सर। थैंक यू सर।